हेलो दोस्तों, स्वागत है वाईटी फैक्ट की एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, स्लीप साइकोलॉजिस्ट और दुनिया भर के विशेषज्ञों ने हमारी स्लीपिंग पोजीशन और हमारे व्यक्तित्व के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कई अध्ययन किए हैं। हमारा अवचेतन मन वह पावर हाउस है जो यह प्रभावित करता है कि हम दिन भर कैसे काम करते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम कौन सी कॉफी ऑर्डर करते हैं, हम कैसे सोते हैं। हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते कि हम कैसे सोते हैं, हम बस अपनी पसंदीदा नींद में बिस्तर पर घुमाते हैं स्थान। आइए जाने कि आपकी नींद की स्थिति आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्लीपिंग पोजिशन 1। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो आपका सोता हुआ व्यक्तित्व कहता है कि आप ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं। आप एक आशावादी व्यक्ति हैं जो समान विचारधारा वाले लोगों की संगति का आनंद लेंगे। आप आमतौर पर लोगों से भरे कमरे में एक साहसी मजबूत उपस्थिति पाते हैं। आप छोटी छोटी बातों में या ऐसी चीजों में शामिल नहीं होते हैं जो आपके मानकों को पूरा नहीं करती हैं या आपकी पीठ नहीं थपथपाती है। आप वास्तव में खुद से और दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं। स्लीपिंग पोजिशन 2। अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो आपका सोता हुआ व्यक्तित्व कहता है कि आप शांत, भरोसेमंद, सहज, सक्रिय, गोरक्षक, सामाजिक तितली किस्म के व्यक्ति हैं। आप हमेशा आगे देख रहे हैं। आपको अतीत का पछतावा नहीं है। आप भविष्य से नहीं डरते। आप अत्यधिक अनुकूलनीय हैं चाहे कोई भी परिवर्तन या स्थिति हो। आप हमेशा हर चीज में सिल्वर लाइनिंग ढूंढते हैं। आप अपने बारे में, अपने अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में अत्यधिक जागरूक हैं, इसलिए आपको ठेस पहुंचाना आसान नहीं है। आप मुश्किलों में भी हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए रहते हैं। बाहें फैलाकर करवट लेकर सोने वाले लोग दूसरों पर शक करने वाले होते हैं। वे अन्य लोगों की राय का बहुत स्वागत नहीं कर रहे हैं। वे अपने स्वयं के निर्णयों और विचारों पर टिके रहते हैं। जो लोग करवट लेकर सोते हैं या अपने पैरों के बीच में तकिया लगाकर सोते हैं, वे बेहद मददगार व्यक्ति पाए जाते हैं जो जीवन के अन्य पहलुओं की तुलना में रिश्तों को अधिक महत्व देते हैं। स्लीपिंग पोजीशन 3। यदि आप भ्रूण की स्थिति में सोते हैं तो आपका सोता हुआ व्यक्तित्व कहता है कि आप सुरक्षा चाहते हैं, समझने की लालसा रखते हैं और दूसरों की देखभाल करते हैं। भ्रूण की नींद की स्थिति बच्चे की तरह कलिंग के समान होती है। भ्रूण की स्थिति में सोने से आपको सांसारिक समस्याओं से दूर होने में मदद मिलती है। आप एक पहरेदार व्यक्ति हैं जो आसानी से नहीं खुलते। आपको लोगों पर भरोसा करने में कठिनाई होती है। आप अपने परिवार के सदस्यों या उन लोगों के आसपास सबसे अधिक सहज होते हैं जिन्होंने आपकी परवरिश में प्रमुख भूमिका निभाई है। आप एक शर्मीले, संवेदनशील, निर्दोष, स्पष्ट अंतःकरण के साथ क्षमाशील व्यक्ति हैं। आपको ऐसे काम करने में मजा आता है जिनके लिए बहुत अधिक लोगों के आसपास रहने की आवश्यकता नहीं होती है। आप ज्यादातर पेंटिंग, ड्राइंग, लेखन, नृत्य आदि पाए जाते हैं जहां आप आत्म अभिव्यक्ति के तरीके खोज सकते हैं। स्लीपिंग पोजीशन 4। यदि आप पेट के बल सोते हैं तो आपका सोता हुआ व्यक्तित्व कहता है कि आप एक मजबूत इरादों वाले, जोखिम लेने वाले, साहसी, उच्च उत्साही, समस्या समाधान करने वाले व्यक्ति हैं। आप दूसरों का नेतृत्व करने या मार्गदर्शन देने में प्रभावी पाए जाते हैं। यदि आप ऊर्जावान और तरोताजा रहने के लिए अधिक नहीं तो पूरे 8 घंटे सोना पसंद करते हैं। आप एक मिलनसार व्यक्ति हैं जो कभी कभी ठंडे या असभ्य के रूप में सामने आते हैं। आप हमेशा टकराव से बचते रहे हैं। आप किसी भी छोर में बीच का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। आप एक सामाजिक तितली हैं और प्यार किया जा रहा है। जब आप अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं तो आपके पास एक दोस्ताना गर्मजोशी होती है। हालांकि आलोचना को संभालना आपकी सबसे अच्छी विशेषता नहीं है, क्योंकि आप अपने सबसे खराब आत्मा आलोचक हैं, इसलिए इसे दूसरों से सुनना आपको असहज करता है। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।